पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई महाकाल की नगरी उज्जैन को देवताओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस व्लॉग में आपको उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर, उज्जैन कैसे पहुंचे, खाने पीने और रहने की सुविधा, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ में ही हम दर्शन करने वाले हैं पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हे लवलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कार से, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रही हूँ महाकाल के दर्शन करने उज्जैन। और इस रोड ट्रिप के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पहली बार बाय रोड इतना दूर जा रही हूँ। अगर आप बाय रोड नहीं जा रहे हो तो आप कैसे उज्जैन पहुंच सकते हो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी ये रोड ट्रिप एंजॉय करते हैं। ओके गाइस, अभी हम यहाँ नासिक से 15 मिनट पहले CNG भराने के लिए रुके हैं, और यहाँ से उज्जैन 480 किलोमीटर दूर दिखा रहे हैं। 9-10 घंटे का रास्ता है, और अभी रात के 2 बज रहे हैं। हम लोग को थोड़ा लेट हो गया निकलने में, वरना हम लोग जल्दी पहुँच जाते थे। The next day. अभी सुबह के 6 बजे हमने हमारा 3rd ब्रेक लिया है, ढाबे पे चाय पीने रुके, और अभी यहाँ से उज्जैन कुछ 5 घंटे की दूरी पे है। और अब तक का सफर तो बहुत ज्यादा मजेदार रहा, अभी देखते हैं आगे का सफर। मुंबई से 15-16 घंटे की रोड ट्रिप एंजॉय करके सुंदर नज़ारे देखते हुए सुबह के 11 बजे हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। आप अगर बाय ट्रेन उज्जैन आना चाहते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन है, और स्टेशन से आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगी। हमारे जैसे बाय रोड आ रहे हो तो मंदिर से बस 500 मीटर की दूरी पे पार्किंग अवेलेबल है, जहाँ 4 घंटे के चार्जेस होते हैं 50 रुपीज। हमें लगा था हम 1-1.5 बजे के आसपास दर्शन करने चले जाएंगे, पर अभी दोपहर के 3 बज ही गए। हमने जहाँ पे स्टे लिया है वहाँ से मंदिर सिर्फ 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। मंदिर का कॉम्प्लेक्स एरिया भी बहुत ही सुंदर है यार। अभी हम यहाँ पे वीकडेज में आए हैं, आज थर्सडे का दिन है तो मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अभी आई थिंक हमारे 15-20 मिनट में आराम से दर्शन हो जाएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव ने यहाँ दूषण नाम के राक्षस का वध किया था, और फिर ज्योतिर्लिंग रूप में यही विराजमान हो गए। मंदिर में VIP दर्शन की टिकट प्राइस है 250 रुपीज, पर आप अगर वीकेंड और मंडे के सिवा किसी भी दिन आते हो तो आपके दर्शन कुछ ही समय में आराम से हो जाएंगे। महाकाल मंदिर के पास ही बना हुआ है सुंदर महाकाल लोक। 108 स्तंभ से बना हुआ ये कॉरिडोर 1 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ आपको 200 मूर्तियों के द्वारा शिव जी की लीला देखने मिलेगी, और साथ ही भित्ति चित्र कला द्वारा शिव पुराण की कहानियाँ भी देखने मिलेगी। उज्जैन नगरी में 84 शिव मंदिर है, जिसमें से कुछ महाकालेश्वर मंदिर परिसर में ही है। अभी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हमारे 15-20 मिनट में आराम से और बहुत ही अच्छे से हो गए, और फिर हमने आसपास में भी जो देवी देवताओं के मंदिर थे वहाँ भी दर्शन किए, और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गए लंच करने। मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, 100-150 रुपीज में आपको यहाँ थाली मिल जाएगी, और दूसरे भी ऑप्शंस अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। स्टे के लिए आपको भक्त निवास, धर्मशाला और नॉर्मल रूम्स मार्केट में मिल जाएंगे। 800-1500 रुपीज में आपको यहाँ स्टे मिल जाएगा।
उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने आप 500 रुपीस में ऑटो बुक कर सकते हो या आप कुछ मंदिर के दर्शन उज्जैन की गलियों से चलते हुए भी कर सकते हो। काल भैरव के दर्शन किए बिना महाकाल के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं और यहाँ भगवान को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान को चढ़ाए हुए शराब के प्रसाद से शराबी का नशा भी छूट जाता है। शाम को 7 बजे रामघाट पे हमने माँ शिप्रा नदी की आरती अटेंड की। इसके बाद हमने 51 शक्तिपीठ में से 2 शक्तिपीठ माँ गढ़कालिका शक्तिपीठ मंदिर और माता हर सिद्धि शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन किए। हर सिद्धि मंदिर में शाम की आरती में शामिल होने हजारों भक्त आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही है श्री बड़ा गणेश मंदिर, जहां गणेश जी की मूर्ति 18 फीट ऊंची है और इस मूर्ति को बनाने में सीमेंट नहीं बल्कि रेत और ईंट के साथ साथ गुड़ और मेथी के दानों का उपयोग हुआ है। आज हमारे दिन का अंत हुआ रात को महाकाल लोक में लाइट शो देख के, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अभी मेरे पीछे आप समुद्र मंथन का दृश्य देख सकते हो जो काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है और ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे सुंदर सुंदर स्टैचूज है और स्टैचूज की डिटेलिंग भी काफी अच्छी है। तो अगर यहाँ पे आओगे तो रात को ये जगह विजिट करना बिल्कुल मिस मत करना। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, आज हम महाकालेश्वर से जा रहे हैं ओंकारेश्वर की तरफ। बस अभी पार्किंग से गाड़ी निकालेंगे और चले गए। यहाँ से कुछ 3-3.5 घंटे का रास्ता है। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको बस की टिकट 150-300 रुपीस में मिल जाएगी और बस की टिकट बुक करने के लिए महाकालेश्वर मंदिर के पास ही बहुत सारे टिकट काउंटर्स है। फाइनली उज्जैन से 4 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर और अभी मंदिर में भीड़ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो फटाफट जाके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे कहीं भी पार्किंग में अगर आप गाड़ी लगा रहे हो तो आपको 150 या 200 का प्रसाद कंपलसरी लेना पड़ेगा, तो ये आप पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हो। नर्मदा नदी के बीचों बीच है मधानता पर्वत, जिसे शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है और इस पर्वत पे बसा हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस पर्वत पे मधानता राजा ने शिवजी की तपस्या करके उनसे यही बसने का वरदान मांगा था, तब से शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। अभी हम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं झूला पुल पे और मंदिर में दर्शन करने में हमें 1.5-2 घंटा लगा। हम पहुंचे तभी मंदिर बंद था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, वरना आधे घंटे में हो जाते थे। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के वहाँ दर्शन करने। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप है और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण तट पे बसा हुआ है। अभी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हमारे सिर्फ 10 मिनट में ही हो गए। अभी हम घाट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा समय बिताएंगे और फिर मुंबई की हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ पे बोटिंग बंद है, वरना हमारा बोटिंग करने का भी प्लान था। हम ओमकारेश्वर में ज्यादा वक्त नहीं रुक पाए थे, पर आप यहाँ संगम घाट भी विजिट कर सकते हो जहाँ कावेरी और नर्मदा नदी का संगम होता है। ओमकारेश्वर की परिक्रमा भी कर सकते हो और शाम को नर्मदा नदी की आरती में भी शामिल हो सकते हो।
रिस्टार्ट। अभी उज्जैन में जो भी आसपास में फेमस हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑन ऑफ मत कर, चालू रहने दे, कंटिन्यू। अभी हम 57 एक्शन। अरे वीडियो है, गाड़ी संभाल के संभालो ना, स्टेबिलिटी एकदम क्लियर आ रहा था, एकदम स्लो चलाओ, दौड़ाओ मत। तावड़े तावड़े में मेरा बेटा बोले वैसे तावड़े गाड़ी हिल रही है, बोला तावड़े तावड़े बस करो, लोग सब पागल हो गए, तावड़े तावड़े पागल है, तावड़े गाड़ी सरल चालो, सरल जाओ एकदम, सरल जाओ, हमरो को स्कूटर में गाड़ी डायरेक्ट टक टक आराम से एकदम काय बोलते दादा। अरे बिग फॅन बिग फॅन मॅडम 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 बिग फॅन बिग फॅन मॅडम मॅडम व्हिडिओ बनाते मॅडम 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 जाके व्हिडिओ में देखा कैसे लगा था व्हिडिओ। अरे आप जीते थे ना, अरे मॅडम बिलाची नाही निघाली बाबो बडोला लागला। मेरा पहला ब्लॉग है और मैं चाहता हूँ ये ब्लॉग यही पर एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आखिरी ब्लॉग भी है उसका। अभी हम लोग ने यहाँ पे चाय पीने के लिए ब्रेक लिया था और कल दीप्ति का बर्थडे था और हम लोग केक कट करके सेलिब्रेट करके ही निकले थे, पर अभी फिर से हम लोग उसे परेशान करने वाले, वो सो रही है तो अभी अचानक सरप्राइज देंगे, मतलब ऑलरेडी दे चुके हैं, कट केक हो चुका है वापस से परेशान करने के लिए। सर हैप्पी बर्थडे, इसने बहुत जोर से खोला यार, अब पहले ही उठ गए, आराम से खोला, केक ले लेना, वो खोलना चाहिए था। दीदी कल केक काटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दीप्ति। अरे केक का इधर देख, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ये देख ये देख तेरा केक, अरे नाम लिखा हुआ है पूरा, ये देख पूरा कट भी नहीं हुआ, अरे ये देख हैप्पी बर्थडे केक काट, अभी ये व्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।